हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रांडिंग क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में। जी हाँ, चाहे आप कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, उसमें ब्रांडिंग का एक अलग ही महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, वो भी बहुत कम पैसों में। जी हाँ, बहुत कम पैसों में आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, तो सबसे सस्ता, सबसे कम खर्चे वाला जो तरीका है ब्रांडिंग का, वो है एनवेलप ब्रांडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, एनवेलप ब्रांडिंग। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप वो होता है जिसके अंदर हम किसी को, किसी की फंक्शन में, किसी की सेलिब्रेशन में जाकर एक एनवेलप में कुछ पैसे रख के, एक लिफाफे में कुछ पैसे रख के गिफ्ट के तौर पे देते हैं। बट हम जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी सेलिब्रेशंस में जाते हैं, हम एक शॉप पर जाते हैं, 1 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये का एनवेलप ख़रीदते हैं, उसमें 100, 150 रुपये, 101 रुपये रखते हैं और सामने वाले को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। बट आप शायद नहीं जानते कि एनवेलप ब्रांडिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है ब्रांड क्रिएट करने का, एक कस्टमर के माइंड पे हैम्पर करने का और कई लोगों के सामने विजिबिलिटी लाने का। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं एक एनवेलप द्वारा। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपने नाम का एक, खुद का एक एनवेलप बना लीजिए जिसके ऊपर आपका नाम हो, आपकी फ़ोटो हो, जिसमें आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो वो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो तो आप जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो तो आप इंश्योरेंस की जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, यूलिप इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से आप जो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एक एनवेलप पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवा लीजिए अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ, आपकी फ़ोटोग्राफ के साथ में। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम फरहान है, फरहान शेख, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, दिस 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 प्रोडक्ट, 2 homes 1 जिसको हम लोग एनवेलप देने वाले हैं। एक बार ये आपके पास एक बल्क में तैयार करके रख लीजिए। अब इसे यूज़ कहाँ कहाँ करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी सेलिब्रेशन इवेंट हो, आप अपना एनवेलप यूज़ करें, ना कि किसी शॉप से जाके एक नया एनवेलप खरीदें। जी हाँ, अगर आप अपना एनवेलप यूज़ करते हो तो आपकी ब्रांडिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज जब आप किसी भी सेलिब्रेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शादी में या एंगेजमेंट में या कोई बड़े फंक्शन में अपना एनवेलप देते हो, तो दूसरे या तीसरे दिन बाद, फंक्शन के बाद पूरी फैमिली साथ में बैठती है और सब साथ में मिलकर एनवेलप ओपन करते हैं और एक डायरी में लिखा जाता है कि मुझे किस फैमिली ने कितने रुपीज़ दिया। तो जब अलग अलग एनवेलप्स के बीच में आपका एनवेलप्स आता है तो उस पर क्लियर कर रिफ्लेक्ट होता है कि किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट का एनवेलप है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट का एनवेलप है या इंश्योरेंस एडवाइज़र का एनवेलप है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट ये तरीका हम लोग बर्थडे में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा छोटा बच्चा किसी बर्थडे में जाता है, हम किसी गिफ्ट देने के बदले अगर 100, 101 रुपये डालकर या 50, 51 रुपये डालकर भी अगर हम एक एनवेलप में देते हैं, तो वह एनवेलप भी एक फैमिली के पास जाता है जिसे ओपन किया जाता है सब फैमिली साथ में बैठ के। इनफैक्ट वो एनवेलप को वो लोग कभी फेंकते नहीं हैं, डस्टबिन में उसे रख लिया जाता है, बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल कर सके। दूसरा तरीका होता है एनवेलप का, आपके यहाँ जितने भी लोग मंथली पैसा लेने आते हैं, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो पेपर वाला हो, चाहे वो आपकी काम करने वाली मेड क्यों ना हो, काम करने वाली बाई क्यों ना हो, आप जब भी उन्हें मंथली पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल एनवेलप में रख के करें। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप अपनी मेड को भी पैसे देते हैं, अपनी काम वाली बाई को भी पैसे देते हैं, तो अपने ही एनवेलप में रख कर दें जो आपकी ब्रांडिंग का एनवेलप है। बिकॉज जब वो बाई अपने पैसे लेके जाती है अपने घर पे, तो वो एनवेलप उसके घर में ही पड़ा रहता है, और इनफैक्ट अगर वो 4 घर में काम करने जाएंगी तो वो अपने साथ एनवेलप कैरी करेंगी और वो अपने पास रखेंगी या सामने कहीं रखेंगी कि जहाँ किसी ना किसी की नज़र जा सकती है। तो चाहे वो पेपर वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो काम वाली बाइक ही ना हो। तीसरी चीज़ ऐसी है, आप जब भी अपने बच्चे की स्कूल फीस दें, अगर आप कैश में भिजवाते हो
तो बिल्कुल एक एनवलप में रख कर ही दें। अगर आप अपने बच्चे की स्कूल में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, उसके लिए अगर 50-100 रुपये मंगाया जाता है, वो भी अपने ही एनवलप में रख कर दें, उससे भी आपकी ब्रांड स्ट्रांग बनेगी। आपका नाम उसके टीचर्स के दिमाग पे हैम्पर करेगा, ओ ये इसके बच्चे के फादर जो है या ये बच्चे की मदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है या कोई ब्रांड से रिलेटेड वर्क करती है, तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में जब भी मुझे काम पड़ेगा तो मैं वो उस एनवलप पे लिखे हुए नंबर पे फ़ोन लगा के आपकी सर्विस के लिए ज़रूर कॉल करूँगा या करूँगी। तीसरी चीज़ ऐसी है, जब भी आपका बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए जाता है या किसी स्कूल में ट्यूशन में जाता है, तो वहाँ पर भी आप एनवलप का ही यूज़ करें। अगर एनवलप का यूज़ वहाँ पर भी करोगे तो ट्यूशन में भी जाता है तो आपकी बाय डिफॉल्ट बिना पैसे खर्च करे ब्रांडिंग होंगी। चौथी चीज़ ऐसी है, जब भी आप बाहर जाए कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़े जो आपसे किसी ने उधार लिया था या आपने किसी से उधार लिए थे और उसे आप रिफ़ंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिए उसे भी एनवलप में रख कर ही रिफ़ंड करिए। जी आपने सही सुना, आपने अगर उधार भी लिया था किसी से, अगर आपने 5,000 रुपये उधार लिए थे, 10,000 रुपये लिए थे, आज नहीं तो कल उसे आप कुछ देना है, बिल्कुल वो पैसा उसी में रखिए और सामने वाले को रिफ़ंड करिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई भी अच्छे इवेंट्स की चंदा जमा जो होता है, कोई भी अच्छे इवेंट्स की वर्गनी जो जमा होती है, अगर आप उसमें भी अपने एनवलप में पैसे रख के सामने वाले को देंगे तो उसे वो बहुत खुशी होंगी। वो भी एनवलप कहीं ग्रुप के अंदर ओपन होगा और जब ग्रुप के अंदर ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ब्रांडिंग होगी। तो होप सो मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीका बताया है अपनी ब्रांड क्रिएट करने का, जिसमें ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाइए, उन्हें बोलिए मेरे नाम के 500-1,000 एनवलप छपवा दीजिए और आप देखिए 500 रुपये या 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं आएंगी एनवलप की। क्योंकि अगर आप एक भी पॉलिसी बेचते हो या एक भी प्रोडक्ट बेचते हो जिसमें 10% भी कमीशन रहता है तो आपका 1,000 रुपये वैसे ही निकल जाएगा। बट दूसरी जगह ब्रांडिंग करने के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, बट ये तरीका सबसे आसान तरीका है आपकी ब्रांडिंग के लिए। होप मैंने ये ब्रांडिंग से रिलेटेड थोड़े से डाउट आपके क्लियर किया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए वो सारे इंश्योरेंस एजेंट, वो सारे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, वो सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास, जिन्हें ये पता चल जाए कि एज ऑफ नाउ हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो ये इजी तरीका है ब्रांडिंग करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।